नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर ये बात सही हुई तो यकीन मानिए ऐसा होते हुए आप पहली बार देखेंगे। एक तरफ एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ 156 साल पुरानी लेगेसी टाटा ग्रुप। अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तो, जी हाँ, खबर तो कुछ इसी तरीके की आ रही है। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने में से एक टाटा ग्रुप मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर पर विचार कर रहे हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। रिलायंस ने देश में टीवी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी पैड बढ़ाने के लिए धांसू प्लानिंग की है, और जिस तरह की ये प्लानिंग है उससे ना सिर्फ मुकेश अंबानी बल्कि रतन टाटा को भी बड़ा फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो ये पूरी डील मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप इस पूरी डील को समझने से पहले सबसे पहले आप टाटा प्ले में शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझिए। टाटा प्ले में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टाटा ग्रुप की जो हिस्सेदारी है इसमें करीब करीब 50.8% है, वॉल्ट डिज्नी की करीब 29.8% है और टेमसेक की करीब 20% है। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि अगर इसमें बात करें टाटा प्ले में, टाटा ग्रुप की जो हिस्सेदारी करीब 50.8% है, वॉल्ट डिज्नी की करीब 29.8% और टेमसेक की 20% है। ताकि अब आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। अब खबर क्या है? दरअसल मुकेश अंबानी वॉल्ट डिज्नी से डील करने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो वॉल्ट डिज्नी कंपनी से टाटा प्ले में, वॉल्ट डिज्नी कंपनी से टाटा प्ले में 29.8% हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रही है। ये खबर है। जैसे आपको बताया कि हमने आपको कि सैटेलाइट टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में टाटा सन्स की जो करीब 50.2% हिस्सेदारी है, डिज्नी के अलावा बाकी शेयरों का जो स्वामित्व है वो सिंगापुर की जो फंड है टेमसेक उसके पास है। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये डील होती है तो ये पहली बार होगा कि टाटा समूह और रिलायंस ने एक साथ ये साझेदारी देखने को मिलेगी, जिससे टाटा प्ले प्लेटफॉर्म पर जियो सिनेमा की पहुंच बढ़ेगी। टाटा टेमसेक कंपनी में अपनी करीब 20% जो हिस्सेदारी बेचने का इरादा कर रही है। यहाँ पर टेमसेक करीब 20% हिस्सेदारी बेचने का यहाँ पे इस तरह की प्लानिंग कर रही है, खबरें हैं, जिसकी कीमत जो आंकी जा रही है करीब $1 अरब है। बैंकरों ने कहा है कि टाटा प्ले में डिज्नी की हिस्सेदारी के मूल्यांकन का अभी आकलन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो मैंने आपको बताई वो स्थिति, क्योंकि टाटा की जो कंपनी है नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा और अमेजोन प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कड़ी टक्कर के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। 31 मार्च 2023 तक टाटा प्ले ने करीब 4,499 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर 105 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। जी हाँ, मैं आपको इसके थोड़े सा वित्तीय चीज़ें भी बता दूं कि 31 मार्च 2023 तक टाटा प्ले ने 4,499 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर 105 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। डिज्नी और रिलायंस कथित तौर पर भारत के सबसे बड़े मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाने के लिए अपने मेगा स्टॉक एंड कैश मर्जर को अंतिम रूप देने की बातचीत के अंतिम चरण में। हम लोग आपको लगातार इसकी कवरेज दिखा रहे हैं। ज्वाइंट पार्टनरशिप में 22-45% हिस्सेदारी के साथ वायकॉम 18 सबसे बड़ा शेयरधारक के रूप में उभर सकता है। उम्मीद है कि RIL की जो नई यूनिट है उसमें करीब $1.5 अरब तक की नकद निवेश करेगा, जिसमें 60% की हिस्सेदारी होगी, जबकि वॉल्ट डिज्नी के पास बाकी 40% की हिस्सेदारी होगी। तो ये ओवरऑल खबर थी कि अगर ये दोनों दिग्गज एक साथ आते थे तो इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा। अब देखेंगे आगे क्या स्थिति रहती है, उसको लेकर हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल तो ये मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।